तो गाइस मेरे पास ये मेरा घर का करेंट बिल है, आप देख सकती हो यहाँ पे कितना अमाउंट आया है। तो ये बिस्कम का बिल है, यहाँ पे इस बिल का डिटेल्स है और यहाँ पे इस महीने में हमने कंज्यूम किया है 113 यूनिट कंज्यूम किया है। तो 113 यूनिट के कंज्यूम के लिए अभी देखो 110 रुपये पर यूनिट है, तो 559, 536 और उसके बाद ऐसा कुछ डाल के यहाँ पे टोटल बिल अमाउंट होता है 1179। उसके बाद एरियर्स कुछ माफ़ी किया है, 498 माइनस किया है, माइनस वन है, यहाँ पे 38 इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट है। यहाँ पे एक चीज़ मुझे समझ में नहीं आता, यहाँ पे देखो SGST CGST डाल दिया है। तो ये SGST CGST क्या है भाई, ये क्यों चाहिए हमें? मैंने बहुत सारे लोगों का बिल देखा है, वहाँ पे SGST CGST नहीं है, बट मेरा बिल में SGST CGST एडेड है। चलो छोड़ो, यहाँ पे टोटल बिल होता है 646 और यहाँ पे ड्यू डेट है 19 जून। बट प्रॉब्लम यह है कि मैंने जब ये बिल मैंने पे करने गया तब मुझे कोई भी बिल नहीं दिखा रहा है। तो इससे पहले मैं शायद एक साल से दो साल से मैंने जो है मेरा घर का बिल, दुकान का बिल जो है, मैं हर महीने का बिल गूगल पे के तहत मैंने पे कर रहा था। कभी भी अगर गूगल पे से नहीं किया तो अमेजन पे से करता था, बट आज इस टाइम पे गूगल पे के अंदर मेरा बिल नेगेटिव दिखा रहा है, मतलब कोई बिल आया ही नहीं दिखा रहा है। और सेम अमेजन पे के अंदर भी मेरा बिल आया नहीं करके दिखा रहा है, वो भी मैं दिखाता हूँ कि गूगल पे के अंदर मेरा बिल क्या दिख रहा है और अमेजन पे के अंदर मेरा बिल किस तरीके से दिख रहा है। और उसके बाद मैंने जब बेस्कम का जो ऑफिशियल साइट है वहाँ पे गया तब मुझे दिखा रहा है बिल अमाउंट कितना है। तो चलो देखते हैं यहाँ पे बिल अमाउंट कितना है, 646 आपने देख लिया है। बेस्कम का ऑफिशियल वेबसाइट के अंदर जाते हैं, देखते हैं कितना बिल है। और इस महीने में खास तरीके से आप लोगों का जो भी कुछ बिल आया ना कर्नाटक के अंदर, बेंगलुरु के अंदर, आप लोग इस महीने में लेट मत करो, बिल अभी का अभी पे कर दो, जो ड्यू डेट है उससे पहले पे कर दो, नहीं तो नेक्स्ट महीने में उसके ऊपर इंटरेस्ट डाल के देगा। तो ये पहला महीना है जब से कांग्रेस सरकार आया है, तब से जो है उन्होंने बताया था कि 219 फ्री देगा करके, बट वो सभी इंप्लीमेंट करने के लिए थोड़ा टाइम लगेगा। और बेस्कॉम का बिल बहुत सारे लोगों को ज़्यादा आया है, इसके रिलेटेड भी बेस्कॉम वालों ने सफाई में कुछ कहा है। वो क्या कहा है कि बेस्कॉम का जो ऑफिशियल टैरिफ है वो टैरिफ कभी ना कभी चेंज होता रहता है। तो टैरिफ चेंज होने का टाइम था अप्रैल महीने में, बट अप्रैल महीने में जैसे कि अप्रैल में और मई 10 को असेंबली इलेक्शन था, उसके लिए थोड़ा दिन इधर उधर हो चुका है। बाद में शायद मई 12 में ऐसा कुछ दिन में उन लोगों ने जो है बेस्कॉम में टैरिफ बढ़ाया है, रेट जो है बढ़ाया है, ठीक है। तो टैरिफ बढ़ाने के लिए रेट ज़्यादा हो गया, इसीलिए जो है सबको ज़्यादा ज़्यादा बिल आ रहा है, डबल वल बिल आ रहा है, और इस तरीके से बिल्स के अंदर जो माइनस आ रहा है, ये सभी कुछ चीज़ आ रहा है, ये प्रॉब्लम की वजह से ही आ रहा है। तो जी पे मैं नीचे की तरफ यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी का ऑप्शन है, इसके ऊपर क्लिक करता हूँ और आप देखोगे मेरा इलेक्ट्रिसिटी बिल किस तरीके से आता है। तो ये है रूम करेंट डिस्कॉम का बिल और ये मैंने हर महीना बिल देता हूँ, तो यहाँ पे देख सकते हो आप। तो लास्ट मैं बिल पे किया था मई 5 को 1062 रुपीज़, ये दो महीने का बिल था। और इस महीने में अगर मैं रिफ्रेश करूँ ना तो यहाँ पे देखो कुछ भी बिल्स यहाँ पे शो नहीं हो रहा है, ठीक है, देखो कुछ भी बिल शो नहीं हो रहा है। यहाँ पे अगर ये करो तब देख सकती है यहाँ पे मेरा जो अकाउंट है वो है 5800935000, ये मेरा अकाउंट है। ओ माय गॉड, कल तक मैंने यहाँ पे जब रिफ्रेश किया था वहाँ पे मुझे मेरा बिल नहीं शो कर रहा था। तो यहाँ पे मेरा गूगल पे के एप्लीकेशन के अंदर बेस्कॉम का जो बिल आया है ये देख सकते हो आप 923, ड्यू डेट है जून 19, ये जी पे के अंदर आया है 923 का, ठीक है। यहाँ पे अगर क्लिक करूँ मैं, यहाँ पे डिटेल्स आप देख सकते हो। तो ये है अमेजन का एप्लीकेशन और यहाँ पे अमेजन पे, उसके बाद पे बिल्स इलेक्ट्रिसिटी, यहाँ पे बिलर डालो बेस्कॉम, एंटर, कस्टमर आईडी और फेच बिल, ओनर का नाम दिखा रहा है और बिल ड्यू डेट दिखा रहा है और यहाँ पे अमाउंट दिखा रहा है 923। जी पे के अंदर मेरा 923 दिखा रहा है और यहाँ पे अमेजन पे के अंदर 923 दिखा रहा है। मेरा अकाउंट आईडी डाल दिया और यहाँ पे कोड बोल रहे हैं, चलो डालते हैं। अभी एक चीज आप लोगों को यहाँ से बहुत ही ध्यान से देखना पड़ेगा, यहाँ पे देखो यहाँ पे दिखा रहा है क्विक पेमेंट, यहाँ पे दिखा रहा है इफ़ यू आर नॉट एबल टू व्यू अपडेटेड बिल इन्फॉर्मेशन प्लीज टेंडर एग्जैक्ट अमाउंट एज पर योर फिजिकल बिल, एंटर अमाउंट टू पे इज अ फ्री टेक्स्ट। मतलब यहाँ पे है ना एंटर अमाउंट टू पे, यहाँ पे आप इसको एडिट कर सकते हो, ठीक है। मेक पेमेंट 3 डेज बिफोर पेमेंट ड्यू डेट, लेट पेमेंट विल बी चार्ज आफ्टर पेमेंट ड्यू डेट एंड लेट पेमेंट चार्जेस विल बी एडेड इन द नेक्स्ट बिल विथ रिस्पेक्ट टू द अकाउंट। पे बिल ऑप्शन दिखा रहा है, अकाउंट आईडी है, नेम है और एड्रेस है, करेंट बैलेंस है 923। तो यहाँ पे कल जब मैं चेक कर रहा था मेरा गूगल पे के अंदर नो बिल शो कर रहा था, अमेजन पे के अंदर भी नो बिल शो कर रहा था, और आज का डेट आप देखो आज का डेट क्या है, आज का डेट है 18 जून, ठीक है, आज के दिन में मुझे शो कर रहा है। और मेरा बेस्कॉम का बिल आया है कब, दूसरे महीने में मुझे 6 तारीख को आ जाता बिल, बट ये इस महीने मुझे जो है 15 जून को शायद बिल आया था, ठीक है, इतना लेट भी हुआ था। और आज सुबह में मैं जब चेक कर रहा हूँ जीपे के अंदर भी 923 है और अमेजन पे के अंदर भी 923 है और यहाँ पे बेस्कॉम का जो ऑफिशियल वेबसाइट है यहाँ पे भी ये जो है 923 है। टोटल अमाउंट टू पे है, एंटर अमाउंट टू पे है। मैं आप लोगों को और एक बार दिखाना चाहूंगा कि
ये है बिल इस महीने का, और ये है मेरा अकाउंट आईडी, ये है अकाउंट आईडी, और इस महीने का बिल है 646। तो जैसा कि डिस्कॉम का ऑफिशियल वेबसाइट में इन्होंने बताया है कि आपको एग्जैक्ट वही अमाउंट पे करना है जो अमाउंट आपको डिस्कॉम बिल के अंदर है। तो चलो मैं यहाँ पे अमाउंट को एडिट करता हूँ। तो यहाँ पे फैमिली आईडी और रेशन कार्ड आईडी जो है, यहाँ पे मैंने यहाँ पे मेरा आधार कार्ड डाल दिया है, उसके बाद वैलिड के ऊपर क्लिक करने के बाद ही यहाँ पे दिखा रहा है कि टोटल अमाउंट टू पे 646। ठीक है, मेक पेमेंट के ऊपर क्लिक करता हूँ। खैर यहाँ पे जो डिस्कॉम का ऑफिशियल वेबसाइट है, यहाँ पे जब मैं मेक पेमेंट के ऊपर क्लिक कर रहा हूँ, ये फर्दर सामने नहीं जा रहा है। ठीक है, तो मैं काम करता हूँ, मेरा जीपे के अंदर आ जाता हूँ, यहाँ पे बिल के ऊपर क्लिक करता हूँ, और यहाँ पे इसको एडिट करने का ऑप्शन यहाँ पे भी दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं काम करता हूँ 646, तो 646 डाल दिया है यहाँ पे, ओके करता हूँ। तो यहाँ पे दिखा रहा है पेमेंट मस्ट बी एटलीस्ट 923। तो गूगल पे को छोड़ देते हैं, अमेजन पे के अंदर आते हैं, यहाँ पे देखते हैं कि यहाँ पे मतलब एडिट करके यहाँ पे पेमेंट कर सकता हूँ कि नहीं। तो 646 डाल दिया। द बिलर सपोर्ट्स अमाउंट ग्रेटर देन और इक्वल टू योर फेस्ड बिल अप टू ₹20,000। तो यहाँ पे जब मैं 646 डाल रहा हूँ, तो 646 यहाँ पे पे नेम का बटन नहीं आ रहा। चलो एक बार कोशिश करते हैं, और एक बार फेज बिल 646 पे नेम का ऑप्शन यहाँ पे नहीं दिख रहा है। तो यहाँ पे ही प्रॉब्लम है, और गूगल पे के अंदर भी प्रॉब्लम है, डिस्काउंट का जो ऑफिशियल वेबसाइट है इसके अंदर ही प्रॉब्लम है, यहाँ पे भी मेक पेमेंट का ऑप्शन नहीं दिख रहा है। तो चलो कुछ नहीं कर सकते, शायद इस महीने का बिल मुझे जो है डिस्काउंट का जो ऑफिशियल काउंटर रहता है जहाँ पे बिल पेमेंट करने का, वहीं पे जाके शायद ये पेमेंट करना पड़ेगा। चलो गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय।